बुजुर्गों से भी इल्तिजा करूंगा, वालदैन से भी, कि आज के जवान को समझें। हमसे गलती होती है, हम जवान को समझ नहीं रहे हैं। हम इस जवान को अपने जमाने का जवान समझते हैं, जबकि मौला मुत्तकियान खुद फरमाते हैं, जो तुम्हारी औलाद है ये आने वाले दौर की है, इसका जमाना अलग है। लेकिन हम जब अपने बच्चे से बात करते हैं या कुछ, नहीं आपको नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ठीक है आपका तजुर्बा अपनी जगह पर, आपकी सारी बातें हैं, आपका एहतराम, लेकिन ये किसी और जमाने का जवान है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसकी जरूरतें कुछ और हैं। आज वालदैन बहुत सारे अपने बच्चों की बातों को, चाहे वो बेटियां हों चाहे वो बेटे हों, इनको उस तरह नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो आज जवान डिप्रेशन का शिकार है। आप यकीन करें, ये हकीकत है, जवान डिप्रेशन का शिकार है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं ये करना चाहता हूं या मैं ये करना चाहता हूं या मैं यूं सोचता हूं, चाहे वो जवान बेटियां हों चाहे वो जवान बच्चे हों। पहली बात तो इन जवानों के लिए कि बहरहाल मौका नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कोशिश करें कि इनकी जवानी में इनकी शादियां करवाएं। पहला काम ये करें, क्यों? क्योंकि दुश्मन पूरी कोशिश कर कर इनके नफ्सों को खराब कर रहा है। कोशिश पूरी करें, बहरहाल क्यों? क्योंकि इस जवान को कमाल पे पहुंचना है, तो हर वो रास्ता जो उसे तबाही की तरफ लेके जा रहा है उसको बंद करें और इससे बात करें जवान से। डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि दुनिया की बम्बार्टमेंट है सोचों की, इंफॉर्मेशन की, ख्वाहिशात की, चीजों की। हम खुद बच्चे को, बेटा बड़े हो गए ये बनना वो बनना, ना बच्चे को बड़े हो गए ये ना बताएं तुमने पैसा कमाना है, ना बच्चे को ये बताएं कि बेटा तुमने खुश कैसे रहना है ये सिखाएं उसे, तुमने इंसान कैसे बनना है। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा तुम कुछ भी बनो, तुम्हारा इखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे वजूद से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये गुफ्तगू करें उसके साथ, बाहर निकालें जवान। आज जवान नशे क्यों कर रहा है? नशा क्या है? नशा सुकून देता है। किसको सुकून देता है? दिमाग को। कैसे सुकून देता है? सुन कर देता है, उसे पता ही नहीं होता वो कहां है, यानी उसको हकीकत उसके आगे छुपा देता है तो वो सुकून में रहता है। क्यों वो तंग है इस हकीकत से जो उसके अतराफ में है? क्यों वो गाफिल हो जाता है? जब आप उसको सही तरह बात करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, तो ये जवान कभी किसी नशे का शिकार नहीं होगा। इसे लज्जत खुदा और इबादत खुदा में मुलव्वस करें, और वो तभी होगा जब मैं खुद इबादत करूंगा, तभी तो ये इबादत करेगा। जब बच्चा सारी जिंदगी ये देखता हो कि मेरा बाप फजर से पहले सारी जिंदगी उठता रहा है, तो खुद उसको भी होगा कि मैं कब बड़ा होकर तहज्जुद पढ़ूं।